हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने एक नया स्मार्टफोन बाय किया है और पुराने स्मार्टफोन के सभी डाटा को आप नए स्मार्टफोन में कम्प्लीटली ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कहीं से भी स्किप करके मत देखिएगा, पता चले हो सकता है उस दौरान में कोई इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताओ जिससे कि फॉलो करना इंपॉर्टेंट था बट आप वो फॉलो नहीं किए, पता चले आप डाटा ट्रांसफर के दौरान जो आपको कुछ एरर मिल जाए, फिर आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बोलोगे फेक वीडियो सही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। इससे अच्छा है कि 10 मिनट की वीडियो हो, 15 मिनट की वीडियो हो, कंप्लीटली देख लो। ये वीडियो देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप कंप्लीट डाटा को आप अपने नए स्मार्टफोन में ट्रांसफर कर सकते हो, लाइक फोटो, कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप और भी जो भी सारी चीज़ें, सारी के सारे डाटा को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। बस वीडियो को भगा करके मत देखना। अब यहाँ पे जो मैं एंड्रॉइड फोन, मेरे हाथ में दो एंड्रॉइड फोन है, एक है मेरे पास वीवो का X50 Pro और है एक मेरे पास ये लावा का, जो लावा ब्लेज 5G चला है वो वाला मैंने स्मार्टफोन मंगाया था। तो अभी मुझे क्या करना है, X50 का डाटा ट्रांसफर करके मुझे ब्लेज में लेकर के आना है और इस फोन को मुझे रीसेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, वो कैमरा को डायरेक्टली यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ ऐसे करके कैमरा को लगाते इस डायरेक्शन में ताकि आप कंप्लीट देख सकें प्रोसेस होते हुए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे लाइव डेमो देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे हम डाटा को ट्रांसफर करेंगे। ओके गाइस, तो अपना दोनों फोन जो है रेडी है, ये है मेरा पुराना वाला फोन, ये है मेरा नया वाला फोन, इसका डाटा जो हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। देखिए, डाटा ट्रांसफर जो हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहला है विथ वायर्ड यानी वायर्ड के जरिए आप डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं और दूसरा है विदाउट वायर्ड यानी वायरलेसली। तो वायर के जरिए अगर डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो काफ़ी फास्ट में ट्रांसफर होगा, लेकिन जब आप वायरलेसली डाटा को ट्रांसफर करेंगे तो थोड़ा स्लो होगा। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस मैं भी आगे आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, डाटा ट्रांसफर से करने से पहले आपको पुराने वाले फ़ोन को ओपन कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको व्हाट्सअप का बैकअप बना लेना है। व्हाट्सअप का बैकअप कैसे बनाते हैं देख लीजिए, व्हाट्सअप पे जाएंगे, उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाना है सेटिंग्स में, चैट्स पे आ जाना है, चैट्स में आने के बाद आपको आ जाना चैट बैकअप, सबसे नीचे है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है बैकअप का, और जो आपके ईमेल आईडी जो आपके मोबाइल में सेव है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर बैकअप अकाउंट के तौर पे मिल जाएगा। तो ठीक है, या फिर आपको दूसरा ईमेल आईडी पे बैकअप लेना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी पे रहने देता हूँ और बैकअप पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो बैकअप जो है कम्प्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे बैक, बैक आने के बाद क्या करना है, अभी सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, इस फ़ोन का सिम निकाल करके अपने को इस फ़ोन में डाल देना है। ओके, तो सिम अपना जो है चेंज हो चुका है। अब जाके क्या करना है, अब नए वाले फ़ोन को आपको पावर बटन दबा करके आपको बूट कर लेना है यानी स्टार्ट कर लेना है। ओके, तो ये वेलकम स्क्रीन पे आ चुका है, अब यहाँ से जो भी स्टार्ट वगैरह करना होता है वो करेंगे हम। चलिए स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास में वाईफाई है तो वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास हॉटस्पॉट है तो उससे आप कनेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ से वाईफाई पे कनेक्ट कर लेता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखें, वायर के जरिए जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका डाटा लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन जब आप वायरलेसली तरीके से डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें आपका डाटा का भी यूज होगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में अपने सामने आ जाता है कुछ इस टाइप का लिखा हुआ, कॉपी एप्स एंड डाटा, यू कैन चूज टू ट्रांसफर योर एप्स, फोटोज, कॉन्टैक्ट, गूगल अकाउंट एंड मेनी मोर। ठीक है, तो गूगल अकाउंट वगैरह जो भी ईमेल आईडी इस फोन के अंदर है वो सारा का सारा इसके अंदर ट्रांसफर होने वाला है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है आपका जो पुराना वाला डिवाइस है आपको उसे ऑन रखना है और आपका एक केबल तैयार रखना है। मैंने अभी आपको बताया केबल के जरिए कर सकते हैं। तो देखिए, केबल कैसा होना चाहिए, जो आपके पास में चार्जिंग केबल होता है, एक साइड तो आपका चार्जिंग पॉइंट वाला होता ही है, दूसरे साइड के लिए क्या करेंगे, अगर आपके पास में OTG एडाप्टर है तो आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें कुछ स्टेप से लगा करके दोनों फ़ोन के अंदर आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। ठीक है, आगे आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो करना है। तो ठीक है, अगर ऐसा वाला नहीं है तो ऐसा वाला भी वायर अगर डायरेक्टली मिल जाता है ना, जो ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल हो वो वाला आप यूज कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे फाइंड योर ओल्ड डिवाइस केबल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि केबल को कनेक्ट करने के लिए, अब एक्चुअली क्या है कि मेरे वाले केस में क्या है कि मेरा वाला जो ये वाला फ़ोन है इसका OTG काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है बाय केबल जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा डाटा। बाकी पे फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने दोनों एंड्रॉइड डिवाइस को जो कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है चार्जिंग के लिए दिखाया जा रहा है ना, इसको छोड़िए, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट केबल इनटू योर ओल्ड डिवाइस, इंसर्ट कर चुके हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, कनेक्ट बोथ डिवाइस यूजिंग केबल। यहाँ बोला जा रहा है कि दोनों डिवाइस को जो है केबल के साथ कनेक्ट कीजिए।
है ना। तो अभी तक देखिए कुछ भी नहीं हुआ है, केबल को कनेक्ट तो कर दिया मैंने, यहाँ पे बस इसी वाले स्टेप पे आकर के रुका हुआ है। अगर यही जाकर अगर आपका OTG केबल जो है प्रॉपर कनेक्ट हो जाता आपके दोनों फ़ोन के अंदर, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। फिलहाल मेरे पास में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे कर देते केबल डजंट फिट। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दूसरे तरीके से हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, फिलहाल इसे हम निकाल देते हैं। दूसरे तरीके में अपने को बोला जा रहा है कि पुरानी डिवाइस पे जो आपको गूगल एप्लीकेशन ओपन करना है, तो ठीक है, गूगल वाला ये वाला एप्लीकेशन होता है, इसे हम ओपन कर लेंगे। और वहाँ पे बोला जा रहा है ओपन करके रखने के लिए, चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो कीप द गूगल ऐप ओपन से ओके गूगल सेटअप माई डिवाइस, यहाँ पर आपको टाइप करना है सेटअप माई डिवाइस। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हो सेटअप माई डिवाइस, चलिए टाइप करते हैं और यहाँ पर सर्च कर देंगे। ओके, जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया तो कुछ इस टाइप का हमारे सामने स्क्रीन आ चुका है, गेटिंग स्टार्टेड। चलिए हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और दोनों में देख लीजिए नेक्स्ट किया हमने, तो दोनों में देखिए सेम डिज़ाइन का जो भी आ रहा है यहाँ पे सिंबल बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से ऑटोमेटिक से नेक्स्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कॉपी टू योर न्यू डिवाइस, और क्या क्या चीज़ कॉपी होगा वो सारी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी पे हम क्लिक कर देंगे ताकि हमारा जो ओल्ड डिवाइस से सारा यहाँ चला जाए। फिंगरप्रिंट से वेरीफाई कर देते हैं इसे और कॉपिंग योर कॉन्टैक्ट, चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। जब जाके डाटा जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं सेम एप्लीकेशन को दोनों फ़ोन के अंदर ओपन करके मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या चीज़ें जो है ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, कोई चीज़ बची तो नहीं है, मैं कंप्लीट आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, ये प्रोसेस ऑटोमेटिक से हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, गेटिंग रेडी टू कॉपी, है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है डोंट कॉपी का, लेकिन अपने को करना नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या स्क्रीन आया जा रहा है हमारे सामने। तो लगभग 2 मिनट के बाद हमारे पास ये वाला स्क्रीन आया है, और इस स्क्रीन में बताया जा रहा है कि आप कौन कौन सी चीज़ों को पुरानी डिवाइस से नए डिवाइस में लेना चाहते हैं। तो जैसे ऐप्स है, कॉन्टैक्ट है, फोटोज़, वीडियोज़, म्यूजिक है इतना, तो क्या क्या चीज़ें आप लेना चाहते हैं। फिलहाल मैं कॉल हिस्ट्री को अनटिक कर देता हूँ। ठीक है, कॉल हिस्ट्री ज़रूरत नहीं है, और SMS की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसे भी मैं अनटिक कर देता हूँ, है ना। और बाकी जो चीज़ें हैं, ऐप्स है, कॉन्टैक्ट है, फोटोज़, वीडियोज़, क्योंकि मेन तो अपने फ़ोन के अंदर यही सारी चीज़ें होती है, SMS और कॉल हिस्ट्री चाहिए तो आप इसे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो भी गूगल अकाउंट वगैरह होगा वो सारी चीज़ें हो जाएगी कॉपी। तो चलिए हम यहाँ कॉपी पे क्लिक करते हैं, और डाटा जो यहाँ से देख लीजिए कॉपिंग होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो वेट करते हैं, अब देखते हैं अभी टाइम एक्चुअली कितना हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। 1:54 हो रहे हैं अभी। ठीक है, 1:54 हो रहे हैं, और देखते हैं कि डाटा कॉपी होने में अपने को कितना टाइम लगता है। और यहाँ पे देख लीजिए उसके बाद कॉपिंग डाटा यहाँ पे हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे सेटअप करने का ऑप्शन आ चुका है जो आप अपने नए डिवाइस को सेटअप करते हैं। चलिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे पिन वगैरह डालने का है, फिलहाल हम इसी स्किप कर देते हैं, स्किप ये भी कर देते हैं। गूगल असिस्टेंट का था, है ना, वो सब चीज़ें हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल अभी जो इम्पोर्टेंट है। चलिए, इतना सेटिंग करने के बाद वापस से हम उसी स्क्रीन पर आ गए, और डाटा जब तक यहाँ पे कॉपी कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो अभी ये इसी स्क्रीन पे ही रहेगा। अबाउट टाइम जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अबाउट 32 मिनट का टाइम दिखाया जा रहा है। बाकी देखते हैं, अभी मैंने आपको टाइम भी दिखा दिया था, आप टाइम नोट कर लेना, 1:52 का टाइम था शायद, 1:54 का। बाकी कितना समय लगता है मैं आपको दिखा दूँगा उस टाइम पर। ओके गए, तो टाइम आपको दिखा दूँ, टाइम अभी हो रहे 2:15, है ना। 2:15 पर मेरा जो है डाटा कंप्लीट लगभग हो चुका है, 1 मिनट का टाइम दिखा रहे हैं, और मेरे पास लगभग 70 GB डाटा था, है ना। चलिए फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कॉपिंग जो है डन हो चुका है, और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है कुछ भी नहीं। चलिए इधर क्लोज कर देते हैं, और इधर फिनिश पे क्लिक कर देते हैं, और फ़ोन को वापस से एक बार जो है सेटिंग करना होगा वो मेन स्क्रीन के लिए। चलिए वेट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए फ़ोन भी जो है बूट हो चुका है, अब क्या करते हैं, अभी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा, क्योंकि वो बाय बाय वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो आपका प्ले स्टोर से इंस्टॉल होता रहेगा जितनी भी एप्लीकेशन है। ठीक है, अच्छा, डाटा ट्रांसफ़र के दौरान जो मेरे को एक चीज़ की इशू हुई, वो इशू ये था कि सेट जो है काफ़ी ज़्यादा हिट कर रहा था मेरा वीवो X50 Pro। ये वाला सेट तो नहीं कर रहा था उतना, बट ये वाला सेट काफ़ी ज़्यादा हिट कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, दोनों मोबाइल फ़ोन को फ्रिज में जा करके रख दिया ताकि इसका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे। ठीक है, मुझे लगा हो सकता है कहीं हीटिंग इशू वगैरह हो, पता चले सेट जो कि रिबूट वगैरह ना हो जाए, कोई इशू ना है, तो मैंने दोनों सेट को फ्रिज में रख दिया। तो फ़ोन जो अभी मेरा बिल्कुल ठंडा टाइप में, मतलब नॉर्मल है, तो ये मेरे साथ इशू आई थी। तो चलिए बाकी देखते हैं, यहाँ पर भी
एप्लीकेशन जो अभी इंस्टॉल होना स्टार्ट हुआ है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, तो चलिए एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कि दोनों में क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र भी। सबसे पहले हम चलते हैं कॉल हिस्ट्री पे पुराने वाले के। कॉल हिस्ट्री तो मैंने लिया नहीं था, इसलिए इसके अंदर जो नहीं आना चाहिए तो सही में यहाँ पे नहीं आया है। ईमेल आईडी ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं वो देख लेते हैं। चलिए प्ले स्टोर पे चल लेते हैं और इधर से ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सारी ईमेल आईडी अपने को शो हो जाएगी। तो इतनी सारी ईमेल आईडी है मेरे पास में, यहाँ पे भी क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो देख लीजिए सेम ईमेल आईडी यहाँ पे कॉपी हो चुका है, ईमेल आईडी भी कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो चुका है। दोनों को कट कर देते हैं। चलिए फोटोज वगैरह देख लेते हैं, फोटोज वगैरह अपने पास में क्या क्या आया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे चलिए इसे सेटअप कर लेता हूँ, इससे क्या रहेगा कि ईजी रहेगा आपको दिखाने के लिए। चलिए अब सबसे पहले डाउनलोड की बात करते हैं, तो डाउनलोड आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे देख लीजिए डाउनलोड में जो भी चीज़ें, फ़ोटोज आप देख लीजिए, IRCTC का दो लोगो है, यहाँ पे थंबनेल है, यहाँ पे देखिए फ़ोन के कुछ हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है आ चुकी है। ये वाला जो है TTF वो है, क्या बोलते हैं, फॉन्ट है, जो कि मैं उसमें काइन मास्टर में यूज़ करता हूँ, पिक्सल में यूज़ करता हूँ, ये फॉन्ट है। तो फॉन्ट जो है ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ये देखिए इतने सारे फॉन्ट है, ठीक है। तो डाउनलोड में जो भी चीज़ें बाकी थी सारी चीज़ें आ चुकी है। बैक करते हैं यहाँ से बैक, अब आ जाते हैं हम किस में, इमेज में आ जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 1771 फाइल और यहाँ पे 1772 है, अब कौन सा एक कॉपी नहीं हुआ पता नहीं है ना। 8GB फाइल यहाँ पे देखिए, 8GB पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका है। और इधर जो ऑडियो में देखिए 1.6GB है, इधर भी 1.6GB है, इधर 313 है, इधर 301 है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा तीन कौन सा बढ़ गया है। तो वीडियो मेरे पास है 70, तो 70 वीडियो यहाँ पे आ चुका है, 23.8GB का 23.8GB यहाँ पे वीडियो आ चुका है। अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट्सअप वाला, क्योंकि व्हाट्सअप जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये रहा व्हाट्सअप, ओपन करते हैं हम अपना, सिम हमने पहले डाल ही लिया था, यहाँ पे एग्री करेंगे, व्हाट्सअप को फटाफट से नंबर डाल के सेटअप कर लेंगे, क्या करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे। अभी और आगे भी प्रोसेस आएगा, अभी एक लुकिंग फॉर बैकअप है ना, ये प्रोसेस आएगा। तो अपने को देखिए यहाँ पे क्या है, ईमेल आईडी मैंने सारे के सारे ऑटोमेटिक इसमें लॉग इन हो गए, और जिस ईमेल आईडी पे बैकअप लिया था व्हाट्सअप का, वो चारों पांचों ईमेल आईडी में से व्हाट्सअप ने ऑटोमेटिक से डिटेक्ट कर लिया कि इस ईमेल आईडी पे बैकअप मेरे को नज़र आ रहा है, तो क्या आप उसे रिस्टोर करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे 30MB की फाइल है, तो जितना टाइम लग जाए आपको क्या करना है, इंतज़ार कर लेना है, ठीक है। ओके, बैकअप जो है यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नाम वगैरह डाल करके हम यहाँ से नेक्स्ट हो जाएंगे और सेटअप कर लेंगे। ओके, अभी देखिए रीस्टोरिंग मीडिया, तो जो भी मीडिया फाइल होता है थोड़ा हैवी होता है, इसलिए जाकर उसमें टाइम लगता है। और बात रही कॉन्टैक्ट वगैरह की, तो कॉन्टैक्ट जो आपके ऑटोमेटिक से आ जाएंगे, 10 से 15 मिनट का आप वेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे डाटा डाउनलोड हो रहा है, रीस्टोर हो रहा है, तो 10 से 15 मिनट के अंदर जो फाइनली आपके सारे डाटा इसके अंदर मूव हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर भी किसी भी तरह का सवाल रह जाता है, कुछ भी अगर आपको दिक्कतें आ रही है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि हम अपने पुराने फ़ोन के सभी डाटा को हम अपने नए फ़ोन में कंप्लीटली कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।